ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अहमियत की वजह से देश भर में जाना जाता रहा है और अब ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पहचाना जाने लगा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद शहर ने मल्टी लेयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़कों की क्वालिटी पर तेजी से काम किया है। केंद्रीय सड़क निर्माण और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देश में बने इन प्रोजेक्ट्स ने शहर की सूरत और लोगों की तकदीर को बदल दिया है। वर्धा रोड पर मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करने, अमरावती रोड पर रविनगर और वाड़ी में चल रहे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के बाद अब इसी क्रम में नागपुर को एक और फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। इंदौरा चौक से दिघोरी चौक तक का ये फ्लाईओवर शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 8.9 किलोमीटर है, जिसमें प्रस्तावित फ्लाईओवर 6.37 किलोमीटर लंबा होगा। साथ ही 13.82 किलोमीटर लंबा सर्विस रोड प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट की खूबियों की बात करें तो प्रोजेक्ट की कुल लागत 998.27 करोड़ रुपए है। टू वे ट्रैफिक के लिए डिजाइंड इस फ्लाईओवर की चौड़ाई 12 मीटर प्रस्तावित है। अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी वाले अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से इसे डिजाइन किया गया है। इसी प्रोजेक्ट में कमाल चौक के पास 163 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मॉडर्न वेंडर मार्केट बनाने का भी प्रस्ताव है। वर्तमान में मौजूद पचपौली पुल को हटाकर यहां 2 आरओबी और आरयूबी भी बनाए जाएंगे, क्योंकि ये पुल अब मौजूदा ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत दागा मेमोरियल विमेन हॉस्पिटल के पास अप डाउन रैंप बनाए जाएंगे। सम्राट अशोक चौक पर भंडारा रोड, मेडिकल चौक और नागपुर बस स्टैंड से जोड़ने वाली अहम सड़कों के लिए भी अप डाउन रैंप बनाए जाएंगे। सकरदरा फ्लाईओवर को ज्यों का त्यों ही रखा जाएगा, क्योंकि ये फ्लाईओवर अब भी ट्रैफिक को संभालने में कारगर है और इससे प्रोजेक्ट की लागत भी कम होगी। नेशनल हाईवे 353D के इंदौरा चौक से शुरू होके दिघोरी चौक तक जाने वाले इस प्रोजेक्ट की पूरे नागपुर शहर को जरूरत थी। ये फ्लाईओवर घनी आबादी से गुजरेगा, जहां बड़ी छोटी तमाम दुकानें हैं और स्थानीय बाजार भी लगते हैं। इस सेक्शन पर 3 बड़े और 11 छोटे जंक्शन हैं, जो भारी ट्रैफिक की वजह से हमेशा जाम में रहते हैं। छोटी बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें भी आती हैं। रेलवे क्रॉसिंग भी है तो जाम की दिक्कतें यहां आम होने लगी थी। ऐसे में नितिन गडकरी जी को लोगों की इन समस्याओं का हल ढूंढना था और अब इस प्रोजेक्ट के रूप में समाधान सबके सामने है। इंदौरा चौक से दिघोरी चौक तक के इस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट से लोगों के आवाजाही के समय में काफी बचत होगी और प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। भंडारा, उमरेड, सीए रोड, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और बस स्टैंड की तरफ की आवाजाही को तेज और सुरक्षित सफर का अनुभव हो सकेगा। ऐसे में अपनी दूरदर्शिता से नागपुर की जनता को नितिन गडकरी जी ने एक और सौगात दी है।